वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास फोर है और आप लोग करने वाले हैं आज कुछ टॉपिक्स। यानी आप लोग का विंडोज़ जो है वो अपीयर हो गया था, उसमें आप लोग जो भी उस विंडोज़ के नेम थे, मेन मेन पॉइंट के, ऑप्शंस के, आप लोगों ने देखा था किसको क्या कहते हैं इस विंडो में। ठीक है, आई होप आप लोग को रिमेम्बर होगा, याद होगा। ठीक है, तो इसके डिटेलिंग में अब हम जाएंगे। जैसे हम लोग टाइटल बार देखे थे, क्विक एक्सेस टूल बार देखे थे, रिबन देखे थे, फाइल टैब देखे थे, और हम लोग देखे थे रूलर, वर्किंग एरिया, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, जूम स्लाइडर। इतना ही हम लोगों ने देखा था, बस इतना ही। और इसी को हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये सारा चीज़ होता क्या है, समझे? इसको आप लोगों ने नाम के रूप में जाना था, इसका काम क्या है वो हम लोग इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग जानेंगे। चलिए, तो अटेंडेंस आप लोग अच्छे से बना लीजिए और रेडी हो जाइए। मैं आपको लिख देती हूँ पेज नंबर और लिख देती हूँ वेरियस कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आर, समझे? चलिए, आइए तो शुरू करते हैं। वेरियस कंपोनेंट, फर्स्ट है टाइटल बार। टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं, उसका एक टाइटल होता है, ठीक है, और उस टाइटल में हमें पता चलता है कि हम लोग अभी क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी सॉन्ग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ड होता है, वर्ड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टाइटल बार में उसका नाम अपने आप, जैसे हम ऐप खोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पेंट हो गया, तो उसके ऊपर में वो चीज़ उसका नाम होता है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर कोई चैप्टर है, यही चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है, सॉरी मैं चैप्टर का नंबर लिखना भूल गई हूँ, ये आपका 4 है ना, 5 है, ओके, वही नहीं लिख लेते हम लोग 5, ठीक है, चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में उसका हेडिंग क्या है, मतलब उसका टाइटल क्या है, एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2010, और वो ब्लू कलर का उसका क्या कहलाएगा, टाइटल बार कहलाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका चैप्टर 5 है, आप लोगों ने ओपन किया चैप्टर 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से ना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या, एक चैप्टर होता है जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे पेंट हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस होता है, तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ये एक्चुअली में एक चैप्टर ही होते हैं। तो चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और वहाँ भी क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो बात सेम ही है, बस हमें यहाँ पे समझना है कि हम लोग क्या कहते हैं। जैसे हम लोग बुक को इसमें हेडिंग कहते हैं ना,
इसको क्या कहते हैं, हेडिंग कहते हैं, ये चैप्टर 5 और ये हेडिंग है। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है कोई भी सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, इसमें जो ये चीज़ लिखा हुआ है एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ड, और ये ब्लू कलर का जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। समझ गए आप लोग? अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। द टाइटल बार इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो, है ना, 2010 वर्ड 2010 विंडो के ऊपर में क्या होता है, ये टाइटल बार होता है। इट डिस्प्ले, ये हमें क्या दिखाता है, द डॉक्यूमेंट नेम फॉलोड बाय द प्रोग्राम नेम, है ना, प्रोग्राम नेम के साथ जो फॉलो किया जाता है डॉक्यूमेंट नेम, वो आपका शो करेगा। समझ गए? दूसरा है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में एक होता है एरो जो देख रहे हैं, अंडो बटन, और दूसरा क्या होता है, रीडो बटन, आगे और पीछे करने के लिए, एक कदम आगे जाने के लिए अंडो, एक कदम पीछे जाने के लिए रीडो। समझे? अंडो रीडो। इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ विंडो ऑफ वर्ड 2010 विंडो। इट कंटेन्स द बटन्स फॉर द सेव अंडो एंड रीडो कमांड, है ना, अंडो और रीडो कमांड इसके अंदर सेव होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक कदम पीछे एक कदम आगे इस प्रकार से आते जाते हैं। मतलब पेज पलटना और पेज फिर इधर पलट देना, आगे पीछे करना, मतलब क्या करना, अंडो और रीडो करना। समझ गए? चलिए अब है रिबन। रिबन वो फीता नहीं जिससे बाल बांधते हैं, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, बट रिबन का यहाँ पे अर्थ कुछ और ही है। जिसके जिस बॉक्स के अंदर सारे ऑप्शन आ जाए वो क्या है, रिबन है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, आप लोग देखे भी हैं, ये सारा जो ऑप्शन आ रहा है जिस बॉक्स में, ये सब, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। द रिबन कंटेन्स सेवरल टैब्स, उसके अंदर टैब्स होते हैं, बेसिकली होगा ही, है ना, टैब्स इनटू इट सच एज फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एक्सेट्रा, पेज लेआउट तक जो है, व्यू, रिव्यू, ये सब जो है, रिफरेंस, ये सब क्या है, एक टैब है, ये सब रिबन के अंदर होते हैं। ठीक है, ईच टैब हैज़ कमांड्स आर देयर अरेंज इनटू ग्रुप्स। तो इस जितने भी टैब है उसके अंदर कमांड्स होते हैं। कमांड्स मीन्स क्या, ऑप्शन, कलर करना, ड्राइंग करना, पेंट करना, है ना, ये सब कमांड हो गए, और ये सारे कमांड के अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब ये सारे कमांड के अलग अलग ग्रुप होते हैं, यानी ये ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमें ईजिली ऑप्शन जो कमांड है आपका वो मिल जाए। समझ गए? चलिए अब है आपका फाइल टैब। फाइल टैब ब्लू कलर का, ठीक है, आप ऊपर स्क्रीन में भी देख सकते हैं फाइल टैब। द फाइल टैब इज प्लेस्ड ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, अपर और लेफ्ट कॉर्नर, यानी सबसे ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर पे आपका क्या होता है, फाइल टैब होता है। क्या होता है? फाइल टैब। ऑफ द वर्ड 2010 विंडो अंडर द क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट ये नीचे होता है। वी कैन क्रिएट, ओपन, सेव एंड प्रिंट अ फाइल बाय सिलेक्टिंग द फाइल टैब। फाइल टैब को सिलेक्ट करके हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, और सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से फाइल टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और या तो प्रिंट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग करते हैं। उसके बाद एक आता है रूलर। रूलर आप लोग जानते हैं, स्केल अपना देखिए ना, स्केल जिससे आप लोग लाइन खींचते हैं,
उसी को रूलर कहते हैं। अब रूलर जो है आपका स्केल जो है वो कंप्यूटर में भी होता है। पूछिएगा कैसे, देखिए रूलर जो है आपके स्क्रीन में दिया गया है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, रूलर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल, दूसरा होता है वर्टिकल। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बुक बोर्ड पे समझाती हूँ, आइए समझिए। ये वर्ड का एक क्या है, विंडो है, क्या है ये, एमएस वर्ड मान लीजिए बस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है और वर्टिकल रूलर होता है, समझे आप लोग, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो कि यहां पे होता है। ऑप्शंस मैं नहीं लिख रही हूँ, ऑप्शंस मैं नहीं लिख रही हूँ, बुक में आप देख सकते हैं, मैं आपको बस ये समझा रही हूँ, ठीक है। और कुछ यहाँ पे तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर, और ये हो जाता है आपका वर्टिकल रूलर, ठीक है। तो एक हो गया हॉरिजेंटल रूलर और एक हो गया वर्टिकल रूलर, समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब आपके जो बुक में पिक्चर बताया गया विंडो, आप उसको देख के समझ सकते हैं। द हॉरिजेंटल रूलर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, तो डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप में ही एक्चुअली होता ही है, टॉप में है ना, ऊपर में है। इट मेजर द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज, ये डॉक्यूमेंट पेज के विड्थ को मापता है, क्या चीज को मापता है, विड्थ। विड्थ मीन्स जानते हैं आप क्या होता है, चौड़ाई। विड्थ मीन्स क्या होता है, चौड़ाई, यानी ये पेज के चौड़ाई को मापता है हॉरिजेंटल रूलर। अब दूसरा क्या है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, द वर्टिकल रूलर मेजर द हाइट ऑफ द वर्क एरिया, ये इसके ऊंचाई को मापता है ना, हाइट को, इस चीज को, ऊंचाई को, ठीक है। ये जो है वर्टिकल रूलर जो है ये ऊंचाई को मापता है, समझे कि इसका हाइट क्या है। अब हम आप सोचिएगा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं कि जो पेज हम लेते हैं इसके अंदर जो एक पेज होता है ना, ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक एरिया होता है, उसमें हम लोग कुछ कुछ लिखते हैं, तो लिखावट जो है वो कितना उसका मेजरमेंट होना चाहिए। तो पहले तो हम पेज का ही मेज़र करेंगे ना, उस पेज का मेज़रमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उस पर लिखेंगे कितना लंबा कितना चौड़ा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप जिस वर्ड में, अगर वर्ड में कुछ चीज़ को टाइप किए हैं, लिखे हैं, कोई अगर पूछ दे इसका लेंथ आप लोग कितना लिया था, कितना है, और इसका विड्थ कितना है, यानी चौड़ाई कितना है, तो बताना तो पड़ता है ना, है ना। ये काम जो है वो किया जाता है, नॉर्मली नहीं है ये चीज़, जो बस है तो है, ठीक है। इस इन सभी चीज़ का यूज होता है। इट इज़ लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, ये बिल्कुल सही बात है, ये लेफ्ट साइड में होता है और ये टॉप में होता है। ये कहाँ पे होता है, ये टॉप में होता है, और ये कहाँ होता है, ये लेफ्ट में होता है, समझ रहे बात को, ये लेफ्ट में होता है। अब आपको मैं बोर्ड पे सीधा समझाती हूँ, आ जाइए बोर्ड पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान देना है, मैं एक मिनट बता दूं आपको, मैं रूलर्स कुछ बना दूं ताकि आप समझ सके। चलिए एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैं बोर्ड पे एक बार चेक कर लेती हूँ कैमरे में, ठीक है।
आइए अब इसको देखिए, डायरेक्टली वर्ड को समझिए। तो वर्ड जो है, एमएस वर्ड जो है, उसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें सीधा समझिए, ये जो है आपका, आप जैसे कोई हम पेज लेते हैं तो वर्ड ओपन कीजिएगा तो उसमें सीधा एकदम सिंपल सा एक पेज होता है, ब्लैंक पेज। तो उस पर जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसका साइज़ हम लोग जो है मेज़र करते हैं कि कितने साइज में होगा, कितना में होगा। तो इसके लिए आप अगर ध्यान से देखें, आपके बुक में भी होगा, तो यहाँ पे वैसे बहुत सारा ऑप्शन होगा, पूरा बनाना संभव नहीं है, लेकिन जितना आप लोग को समझना है जो पॉइंट उसको देखिए। वो है आपका ये रूलर, और एक ये आप देख रहे होंगे सीधा, और एक इस साइड से देख रहे होंगे, यानी एक आप ऊपर में देख रहे होंगे और दूसरा आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा। तो ये दोनों जो रूलर है, आप इसको हॉरिजेंटल कह सकते हैं और इसको वर्टिकल, ठीक है। ये जो आप लेटा हुआ लाइन देखते हैं, आप इसको पढ़े भी हैं कई बार, ये हॉरिजेंटल होता है और ये साइड में जो होता है ये वर्टिकल होता है, ठीक है। लेफ्ट वाला यानी खड़ा वाला जो होता है एकदम सीधा वाला, ये वर्टिकल होता है। तो ये हॉरिजेंटल जो है, ये आपके पेज को क्या करता है, आपके पेज के विड्थ को मापता है, यानी चौड़ाई को मापता है इस प्रकार से। उसके बाद ये जो आपका आता है वर्टिकल रूलर, ये मापता है वर्टिकल रूलर किस चीज़ को, ऊंचाई को, हाइट को, ठीक है, इसके ऊंचाई को मापता है। समझ गए इतनी बात। यही चीज़ इसमें बताया गया है कि आप अगर किसी चीज़ पेज का मेजरमेंट करते हैं वर्ड में, तो एक वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजेंटल होता है। अब आता है अगला जो है आपका, वो है वर्क एरिया। ये बहुत ही सिंपल है, वर्क एरिया जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं उनसे काफ़ी बड़ा, जो नीचे वाला बड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं, ब्लैंक पेज, जहाँ मैं इसकी बात अभी कर रही थी, इसका बात हो रहा था ना, तो इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एरिया बोलते हैं, जहाँ पे हम ड्राइंग करते हैं, टेक्स्ट का को टाइप करते हैं, इस प्रकार से किसी लेटर को लिखते हैं, इस प्रकार से स्टोरीज वगैरह जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं वो वर्किंग एरिया में ही किया जाता है। दिस एरिया इज़ यूज फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। इस एरिया का इस्तेमाल हम लोग टाइपिंग टेक्स्ट और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका स्टेटस बार। चलिए स्टेटस बार में क्या होता है, इसमें पेज जो है, पेज के नंबर इंक्लूड होते हैं, आपने कितना पेज लिया है वो वहाँ पे शो करता है। तो जैसे आप अपने बुक में देखेंगे, आपको दिखेगा पेज नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऐसा लिखा हुआ है, वर्ड्स जीरो। अगर आप कुछ शब्द अगर वर्क एरिया में टाइप करते हैं तो वो शब्द वहाँ पे, जितने शब्द आप लिखिएगा उतना शब्द वहाँ पे आएगा। फिलहाल अगर कोई शब्द नहीं है तो वर्ड्स जीरो रहेंगे और पेज नंबर फर्स्ट आपका शो करेगा, ठीक है। अगर आप उसी को कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेते हैं, पेज नंबर टू शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जितने पेज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज के नंबर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे शो करेगा पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 या जो भी। उसके बाद वर्ड्स, आप जिस स्क्रीन पे, जिस पेज पे जितना वर्ड्स टाइप कीजिएगा उतना वर्ड्स वहाँ पे दिखेगा, 45, 30, 25, 10, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ वर्ड, ये वर्ड जो है, वर्ड विंडो 2010, इसके बॉटम में यानी नीचे में जो है, नीचे में शो करता है क्या, स्टेटस बार, ठीक है। हेयर यू कैन सी इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप करेंट डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन को शो करके, मतलब ये शो करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइक द नंबर ऑफ पेजेस, जैसा कि मैं बता रही थी, नंबर ऑफ पेज, पेज का नंबर, और क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कितने टाइप किए गए हैं, आप लोग शब्दों को काउंट करते हैं ना, वो वहाँ पे रहेगा। व्यू बटन्स, जूम स्लाइडर बार, ठीक है, यहाँ पे व्यू बटन्स भी होते हैं, व्यू मतलब देखना, देखने के लिए, और दूसरा होता है जूम स्लाइडर, यानी आप जूम बटन पे प्रेस कीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट जूम हो जाएगा, जूम इन जूम आउट आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शंस होते हैं, इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्क्रॉल बार्स, ये भी आपका इसी प्रकार का होता है स्क्रॉल बार। मैं इसको इरेज करके आपको स्क्रॉल बार समझा देती हूँ, बहुत ही आसान है वो भी।
देखिए अब स्क्रॉल बार। ठीक है बन गया। अब देखिए दूसरा, इसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा है ना, आपके बुक में बनाया हुआ स्क्रॉल बार कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। देखिए अब इसमें रीड करके आपको समझा देते हैं। देयर आर टू स्क्रॉल बार्स इन द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो में टू स्क्रॉल बार होते हैं, आप देख ही रही हैं, इधर एक है इधर दो है। ठीक है तो टोटल कितना हो गया, दो। द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, एक वर्टिकल है दूसरा हॉरिजेंटल है, आप लोग इस लाइन को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार मूव द स्क्रीन डिस्प्ले टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। अब देखिए हॉरिजेंटल जो है वो राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ठीक है अब आ जाइए दूसरा लाइन रीड करते हैं आगे। एंड द वर्टिकल स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव द डॉक्यूमेंट अप और डाउन। और ये वर्टिकल का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं, अप डाउन। ठीक है अब इस चीज को बोर्ड पे देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपका कोई एक पेज है, ठीक है, ये एक आपका क्या है, पेज है, ठीक है, स्क्रीन पे। अब मान लीजिए इस पेज का जो है लेंथ काफी हो गया, जैसे विड्थ हो गया, अब ये स्क्रीन के आर पार उधर घुस गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। या फिर आपने इसको जूम किया, ठीक है, ये पेज को अगर आपने जूम किया ये बड़ा हो गया, तो जैसे ही बड़ा होगा तो स्क्रीन पे पूरे पे फैल जाएगा ये, और इसके कुछ हिस्से आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि ये पूरा, जैसे ही ये पूरा फैला, ठीक है, तो मान लीजिए ये सारा लाइन है ही नहीं, ये पूरे स्क्रीन पे फैल गया, ठीक है, तो ये सब हट गया। अब जैसे ही ये हटा तो आप समझ सकते हैं कि ये पेज ऊपर तक गया, ये इधर तक, ये लेफ्ट, ये राइट, मतलब ये चारों तरफ फैल गया। अब जैसे ये फैल गया तो हम इसको देखना चाहे, अगर इसमें टाइप किया हुआ टेक्स्ट है तो वो जैसे ही ऊपर घुस गया तो वो तो छुप गया, कुछ नीचे चला गया वो हिस्सा छुप गया, कुछ लेफ्ट में चला गया वो छुप गया, कुछ राइट में चला गया वो भी हिस्सा छुप गया। तो उस हिस्से को देखने के लिए, उस हिस्से को देखने के लिए हम लोग जो है ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। तो ये जो है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, इससे हम लोग पेज अप और डाउन करते हैं। अप मतलब ऊपर और डाउन मीन्स नीचे, इससे हमारा ऊपर का भाग और नीचे का भाग दिख जाता है, समझ गए। आइए इधर, इससे क्या होता है, ये जो आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है इससे जो है क्या होता है, पेज लेफ्ट साइड जाता है और राइट साइड आता है, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है पेज घूमता है, जैसे आगे पीछे होता है, इससे आप इधर के हिस्से को इधर के हिस्से को देख सकते हैं, समझ गए। चलिए तो ये आपका हो गया हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और हम लोग करते कैसे हैं, यहाँ पे माउस का पॉइंटर होता है और लेफ्ट माउस बटन पकड़ के इसको ड्रैग करते हैं, इधर उधर करते हैं, एक हैंडल होता है ना उस प्रकार से, इसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं और इसको लेफ्ट राइट करते हैं, ठीक है, माउस के पॉइंटर को रख के उसको खींचते हैं, उससे क्या होता है हमारा पेज चारों दिशाओं में जैसे हम उसको ड्रैग करें वैसे ड्रैग होता है, समझ गए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें एक जूम स्लाइडर बच गया जिससे हम लोग पेज को जूम करते हैं, इसको आप लोग कल देखेंगे। आपका होमवर्क रहा पेज नंबर 43, 44 और 45 को बहुत ही अच्छे से रीड कर लीजिएगा। 43 से 45 तक आप लोग का रीडिंग रहा आज की क्लासेज में। अगर कहीं पे आप लोग को दिक्कत हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम को शेयर करें, अगले दिन उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है आज के लिए इतना ही।